फिटर ट्रेड थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग स्क्रैपर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्क्रैपर क्या है? स्क्रैपर धातु को छीलता है, यह ऊपरी सतह को तराशकर प्रसिद्ध हुआ चिकनी सतह बनाता है। स्क्रैपर सामान्यतः एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। कभी कभी इनको बनाने के लिए खराब फाइलों का भी प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर के प्रकार, पहला प्रकार है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर की सहायता से समतल सतह पर स्क्रैपिंग की जाती है। इसका कटिंग एज 85 से 90 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। अगला है हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर का प्रयोग फिनिशिंग कार्यों में किया जाता है। हुक स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करने के लिए स्ट्रोक को अपनी तरफ खींच के किसी बड़ी समतल सतह के मध्य भाग की स्क्रैपिंग की जाती है। अगला है हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर का अनुप्रस्थ काट अर्धगोलाकार होता है। कटिंग एंगल 45 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य होता है। प्लेन बियरिंग की वक्र सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। त्रिभुजाकार स्क्रैपर यानी कि ट्रायंगुलर स्क्रैपर, इसका प्रयोग छोटे व्यास के छिद्रों, जटिल कोण तथा छिद्र के किनारों को डीबर करने के लिए किया जाता है। डीबर यानी कि उसके ऊपर धातु के छोटे छोटे टुकड़े लगे रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए किया जाता है। त्रिभुजाकार स्क्रैपर का क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार होता है। बुल नोज स्क्रैपर, वृत्ताकार डिस्क टाइप की इसकी कटिंग एज होती है। यह बड़ी बियरिंग सतह की स्क्रैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर तथा हाफ राउंड स्क्रैपर दोनों का काम बुल नोज स्क्रैपर द्वारा किया जा सकता है। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर। थ्री स्क्वायर स्क्रैपर की बनावट त्रिभुजाकार स्क्रैपर की तरह ही होती है, बस इसमें कटिंग एज ज़्यादा होते हैं। इसके द्वारा छोटे व्यास की स्क्रैपिंग की जाती है और छिद्र के किनारे डीबर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है पावर स्क्रैपर। पावर स्क्रैपर जब कभी बहुत ज़्यादा बड़े भाग की स्क्रैपिंग करनी हो, जहाँ पे हैंड स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग मुश्किल हो, वहाँ पे हम पावर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। यह ज़्यादा मटेरियल हटाता है तथा ये विद्युत या पावर द्वारा संचालित होता है। स्क्रैपर पर धार रखना, कभी कभी स्क्रैपर का जब हम लगातार प्रयोग करते हैं तो उसकी धार कुंद हो जाती है यानी ब्लंट हो जाता है, तो उस पर हमें धार रखने की ज़रूरत पड़ती है। धार रखने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड के ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।